गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो विल बी ऑल अबाउट मंडालास। अभी आई वाज गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन द बेसिक्स ऑफ मंडालास। सो हियर इट इज। एंड जिसको नहीं पता कि मंडाला क्या होता है, आई विल जस्ट पॉप इन सम पिक्चर्स सो दैट यू गेट एन आइडिया दैट एक्चुअली व्हाट आर मंडालास। ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई विल यूज विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड या सो जस्ट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड लर्न समथिंग वेरी फन। ओके, सो स्टार्टिंग आउट आई विल टेल यू अबाउट द पेपर्स। जो पहला ऑप्शन है दैट इज फ्रॉम ब्रिस्त्रो, दिस इज द ब्रिस्तोल पेपर फ्रॉम ब्रिस्त्रो। तो दिस इज अ वेरी गुड पेपर, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने इसी पे की मंडाला बनाया हुआ है। इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेन्स, सो दिस इज वन ऑप्शन। अनदर इज दिस ग्रिड बुक फ्रॉम आयुष पेपर, अंदर इसमें से स्क्वेयर ग्रिड्स बने होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए एंड काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में भी आता है। एंड इसके जो सेकेंड साइड है वो 200 GSM पेपर है, सो आप इसको बाकी काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस स्ट्रैथमोर टोन पेपर, इस पर भी मैंने एक मंडाला बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो, बहुत ही प्रिटी है ये पेपर एंड आराम से इस पर आप मंडालास बना सकते हो। सारे ऑप्शंस मैं नीचे लिंक कर दूंगी और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो चाहो वो आप खरीद सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर इनमें से कोई नहीं लेना, तो जैसे ये है, ये मैंने नॉर्मल जो ड्राइंग शीट होती है ना ब्लैक कलर की, उस पर बनाया है, आप देख सकते हो बिल्कुल पतली शीट है बट परफेक्ट बना है। ये भी ड्राइंग शीट है और ये भी एक नॉर्मल वाइट ड्राइंग शीट है, तो अगर आपके पास अभी कोई भी पेपर नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और हमें एक चाहिए होगा कंपास, इरेजर, स्केल, पेंसिल और ऐसा सर्कुलर प्रोट्रैक्टर या फिर जो नॉर्मल प्रोट्रैक्टर आता है वो भी चलेगा। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि हमें ग्रिड कैसे बनाना होता है ताकि हम एक सिमेट्रिक मंडाला बना पाएं। आपको अपने पेपर पे एक सेंटर पॉइंट चूज़ करना है, आप कोई भी सेंटर पॉइंट ले सकते हो, आप मेजर भी कर सकते हो पेपर को। उसके बाद हमें अपना प्रोटेक्टर या फिर ऐसे सर्कुलर वाला जो स्केल है वो बीच में रखना है और हमें हर डिग्री पे एक छोटा सा पॉइंट मार्क करना है। रिमेंबर, आप हर हाफ डिग्री पे भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग आउट अगर आप मेरा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो तो आप हर डिग्री पे करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे तो आपको एक सर्कुलर शेप मिल जाएगा। तो अभी आप ऐसे सोचो कि आपको इस सर्कल के अंदर एक प्लस साइन बनाना है, तो हम दो चारों जो कॉर्नर्स हैं कि प्लस बन जाए वैसे इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आप कैसे प्लस बना रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपका पेपर रखा होगा वैसा प्लस बना लो, बस एक गाइड चाहिए। इसके बाद जैसे आप देख सकते हो मैंने एरोज बनाए हैं, इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है अपने स्केल को, दैट इज़ क्लॉकवाइज, और हमें एक एक करके सारे ऑपोजिट एंड्स को ज्वाइन करना है। रिमेंबर, आपको सर्कुलर शेप में जाना है, तो ये एरोज अपने लिए बना लेना अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन दैट इन विच डायरेक्शन यू हैव टू मूव। सो ऐसे करने के बाद आपको एक प्रॉपर पर डिग्री डिस्ट्रीब्यूटेड एक पूरा ग्रिड मिल जाएगा। इसके बाद हम अपना कंपास लेंगे, कंपास को सेंटर पे रख के हम कुछ सर्कल्स बनाएंगे। अभी ये सर्कल्स का कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है, मैं जो भी यहाँ पे मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बट ये कोई ऐसी स्टैंडर्ड नहीं है। आप ऐसे जो सर्कुलर आपका प्रोटेक्टर है उससे भी आप बना सकते हो ये सर्कल्स, कंपास से नेसेसरी नहीं है। बट ये सर्कल्स बिल्कुल रैंडम है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं कि जो मैंने मेजरमेंट्स यूज़ करें आप वो यूज़ करो, आप कुछ भी बना सकते हो, कितने भी डिग्री मतलब कितने भी सेंटीमीटर का सर्कल बना सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो मंडाला में अपने डिज़ाइंस के साथ, सो डोंट वरी। एंड ये याद रखना कि ये ग्रिड को ना बहुत ज़्यादा डार्क लाइन से नहीं बनाना, बिकॉज हमें बाद में इनको इरेज भी करना होगा, ओके। सो वंस यू आर डन विद इट आपका ग्रिड रेडी हो जाएगा और अब हम रेडी हैं इसमें डिज़ाइंस फिल करने के लिए। तो अभी डिज़ाइंस के लिए हम कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एक ये ऑप्शन है आपके पास माइक्रोन पेन्स, और ये सबके प्राइजेस स्क्रीन पे भी होंगे और नीचे लिंक भी होंगे, तो आप जो चाहो वो ले सकते हो। ये माइक्रोन पेन्स सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो खरीदने का। दूसरा ऑप्शन है ये ब्रिस्त्रो के माइक्रोन पेन्स, माइक्रोन पेन्स या फिर इनको फाइन लाइनर्स भी बोलते हैं, ये वाटरप्रूफ होते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन जो और इसके पहले जो मैंने बताया ये वाटरप्रूफ है, सो दे आर वेरी गुड क्वालिटी, आप इनको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अभी दो चीप क्वालिटीज़ बता रही हूँ मैं जिसको जस्ट शुरू करना है उसके लिए। लक्सर का ये एक सेट आता है और एक आर्ट लाइन का सेट आता है, लक्सर वाला 100 रुपीज़ का है, आर्ट लाइन वाला शायद 200 का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हैं अगर आप जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हो। मैंने ये मंडाला इन्हीं पेन से बनाया और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर बनता है, तो आप इन पेन्स को भी ले सकते हो इनिशियली। इनफैक्ट अगर आपको नहीं स्पेंड करना है ना, तो आप एक नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन से भी बना सकते हो मंडालास, तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बाकी अगर आपको ब्लैक पेपर पे बनाना है तो आप ये जेली रोल पेन्स ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वाइट जेली रोल यूज़ किया है, जो साइड में रखा है मंडाला मैंने वो भी यहीं से बनाया है, सो ये भी बहुत सुंदर लगता है।
अभी इस सेशन में हमने ग्रिड बनाना सीखा है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इस टाइप के 10 पैटर्न्स बनाना सिखाऊंगी और उनकी एक फ्री पीडीएफ शीट भी दूंगी, जिससे आप अपना मंडाला जो आपने ग्रिड बनाया है वो पूरा भर सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं पूरे डिज़ाइंस का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, उसके बाद आप ऐसे मंडालास बहुत ही इजीली बना पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड। So I hope that you guys enjoyed this video and you must have learned the basic techniques about mandala and abhi sab jaake thoda sa try karenge, I just hope that. And if you want to have more videos on mandalas, let me know that also. And yeah, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Please subscribe, it would really mean a lot to me. And if you want to see more such content, please press the little bell icon so that you get notified whenever I post a new video. And please follow me on my Instagram. I have a very good paint party sort of things going on there. So yeah, I'll just see you guys in my next video. Till then, bye. Now you guys really seem to enjoy my watercolor videos. So I am going to post another watercolor tutorial on coming Wednesday. So stay tuned, milte hain Wednesday ko.